Hi, my name is Dr. Mustafa, and today we will discuss about the OET. OET actually stands for Occupational English Test, or it is conducted by the Student Council or different countries like United Kingdom, New Zealand, आयरलैंड मालदीव और भी बहुत सारे कंट्रीज में जाने के लिए आपको पहले इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होता है जिसे ओईटी कहते हैं। इट्स सेम लाइक आईएलटीएस से, और इसका डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। मेडिकल प्रोफेशनल के लोग ज़्यादातर ओईटी देते हैं क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी समझते हैं इसको। अब इसमें जो ओईटी है, इसी आईएलटीएस की इतना फोर सब टेस्ट होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। रीडिंग लिसनिंग में 42 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 30 लेने होते हैं मोस्टली कंट्री में बी ग्रेड हासिल करने के लिए। और राइटिंग में भी ऐसे ही आपके जो है ना 500 में से 350 स्कोर करना होता है टोटल, और स्पीकिंग में भी 500 में 350 स्कोर करके। जो ओईटी की फीस है वो $587 है, और $587 आज के हिसाब से बनते हैं तकरीबन 1,10,000, और इसमें टैक्स भी आपको पे करने होते हैं। तो दो तीन दिन पहले हमने एक दोस्त की फ़ी भरी थी तो बनी थी तकरीबन 1,18,000, तो इतने में आपको ओईटी कोर्स पड़ता है। ओईटी जो है ना, इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है राइटिंग के लिए खास तौर पर, और मैं ख़ुद भी सजेस्ट करूँगा कि आपको राइटिंग के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए। डिफरेंट लोग हैं जो करवाते हैं इसकी प्रिपरेशन, और स्पीकिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी रीडिंग और लिसनिंग के लिए कुछ फाइल्स हैं तो मैं नीचे लिंक जिसका भेज दूंगा, वो फाइल जो है ना रीडिंग की बेंचमार्क्स, सजेशंस फाइल, डिफरेंट फाइल्स हैं, वो आपने रीडिंग और लिसनिंग की वहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीडिंग जो है ना, वो उसमें टोटल 42 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आउट ऑफ 42 आपको 30 लेने हैं, मतलब 500 में से 350 स्कोर करना है बी ग्रेड लेने के लिए, आपको बी ग्रेड लेना है ओईटी में। इसी तरह लिसनिंग में भी 42 टोटल होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं ए बी सी, और राइटिंग के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं इसको टास्क मुकम्मल करने के लिए, और पहले 10 मिनट सिर्फ आपको ने देखना होता है उसको, पैरा पढ़ना होता है, अगले जो हैं 35 मिनट्स आपने उसको फिनिश करना होता है। राइटिंग जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क समझा जाता है क्योंकि ग्रामर मिस्टेक्स हम सब की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो स्पीकिंग जो है उसमें आपको 2 रो प्ले कार्ड्स करने हैं 5-5 मिनट्स के ही, और 5 मिनट्स पहले 3 मिनट प्रिपरेशन टाइम है। तो जो स्पीकिंग है उसके टोटल आपको 20 मिनट्स में आपका स्पीकिंग हो जाता है। पहले आज से कुछ पहले जब ओईटी शुरू हुआ था तो फिर उसमें राइटिंग और स्पीकिंग दोनों को मुश्किल समझा जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ ओईटी काफ़ी टफ हो चुका है। ओईटी के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप और एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ओईटी में बी ग्रेड के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीडिंग के जो है ना, ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, बी में 6 होते हैं और बाकी सी का होता है। इसी तरह लिसनिंग में पहले में 24 होते हैं, ए में बी में 6 होते हैं, बाकी सी में 12 आपको क्वेश्चन करने होते हैं। और लिसनिंग में आपके बैकग्राउंड में साउंड चल रहा होता है, आपने उसी को पिक करना है चीज़ों, फिर रिप्लेस करनी है। राइटिंग टास्क जो है ना, टाइम सबसे ओईटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरी नज़र में है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपने उस चीज़ को कितना पिक किया, दो चीज़ें जो है ना वो आपकी देखते हैं। आपको टाइम मैनेज करना आता हो, और स्पीकिंग के लिए आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करें स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग जो है ना नॉट एज सच डिफ़िकल्ट जितना समझा जाता है। लिसनिंग तो और रीडिंग जो है ना पहले आसान थे, आजकल उन्होंने टफ कर दिया, लेकिन आप जो है ना प्रैक्टिस से बार बार प्रैक्टिस से जो है ना इसको कर सकते हैं। बाकी जो है इसके लिए इसको कैसे पास करना है, विद इन मेरे आई रियली रिकमेंडेड दैट आपको 2 मंथ्स इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए ओईटी के लिए, और मैक्सिमम और मिनिमम 1 मंथ। और जो लोग कहते हैं कि 1 हफ्ते में 10 दिन में हो जाता है वो ज़रूर कर लेते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कम से कम 1 महीना जितना उन लेवल टफ कर दिया, 1 महीना प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए ओईटी के लिए। और इसके अलावा इसको कैसे पास करना है, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग को हम इंडिविजुअली इस पर फिर एक अभी जो है ना एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि
आपको इवन 15 डेज भी हों तो आप उसको कैसे करें और किस तरह हर पार्ट को करें कि आपके अच्छे स्कोर आ जाएं। इसलिए वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ओटी के बारे में बताया जाए और एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि ओटी के होता क्या है और डेढ़ साल, और अगर आपको इससे ओटी से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।